लव से टर्न ऑन करो। हेलो जल्दी बहुत जल्दी पैक और आप ऑन करो लव फोन के। अंशुजीत ऑन करो जी, आप तो सबसे पहले ऑन करो। अंशुजीत बाबू जल्दी ऑन कीजिए। अंशुजीत बोला ऑन करो बाबू। ये कौन सा बात होता है सर? हाँ ऑन कीजिए ऑन कीजिए। आदित्य बाबू ऑन कीजिए। रोशनी रोशन करो, बोलिए ऑन करो। अंशुजीत कोई मोबाइल नहीं जी, जल्दी जल्दी बाबू टाइम नहीं है उतना। ऑन करो ना जी अंशुजीत, आप ही को ना बाबू चेंज मोमेंटम पढ़ना था, इसके बाद हम लोग न्यूटन से कैंडला पढ़ेंगे। चलिए मत पढ़ाइए सर। वीडियो ऑन कीजिए। पढ़ाना वो नहीं किसे पढ़ाएंगे, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, लेकिन हमारा काम है बहुत पढ़ाना, तो पढ़ाई करेंगे ना। वीडियो ऑन कीजिए, देखो वो क्या आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक बोला। अब फिजिक्स में क्या बाबू, आपको प्रीवियस क्लास में मोमेंटम बताए थे, है ना, मोमेंटम बताए थे। मोमेंटम क्या होता है सर? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होता, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, उस ऑब्जेक्ट में कुछ मास होगा ना जी, 5 kg, 10 kg, 1 g, 2 g, और उसका मान लो कुछ वेलोसिटी होगा, तो किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो वो मेरा क्या बनता है, मोमेंटम बनता है। क्या बनता है? मोमेंटम बनता है। मतलब मोमेंटम है क्या चीज सर? मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे मोमेंटम पे आपको क्वेश्चन भी करवाए थे, मान लो कोई बॉल है 100 g का, है ना बाबू, ये 10 m/s के हिसाब से जा रहा, तो कहेगा इस बॉल में कितना मोमेंटम होगा, तो 100 × 10, 1000 g/m/s, 1000 g/m/s हो जाएगा। तो मास वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, है ना। तो अब मोमेंटम मेरा बाबू दो चीज पे डिपेंड करता है, किस पे बाबू, मास पे और वेलोसिटी पे। तो जितना ज्यादा मास होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। आप समझो बाबू, आपको किसी एक बॉल से बोला, आप यहाँ पे खड़ी हो, अनुष्का कृतिका बाबू, एक बॉल से मारा जाए, तो अगर बॉल का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो आपको ज्यादा चोट लगेगा, या बॉल का बाबू मास ज्यादा रहेगा तो आपको भी फिर क्या लगेगा, ज्यादा चोट लगेगा। मतलब जितना ज्यादा बाबू वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा चोट लगेगा, या बाबू जितना ज्यादा मास रहेगा, है ना, जितना ज्यादा मास होगा और धीरे से भी फेंकोगे भोला, अब मास बहुत ज्यादा है, तो भी उस अवस्था में भी आपका क्या होगा, चोट ज्यादा लगेगा। क्यों सर? क्योंकि मोमेंटम ज्यादा होता। मतलब मोमेंटम मेरा किस पे डिपेंड कर रहा, मास पे बाबू असमायरा और वेलोसिटी पे। ठीक सर, तो मास वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक, इतनी कहानी प्रीवियस क्लास में आपको हमने बता दिया था कि नहीं। ए तो ऑन करो, ए सुजी से ऑन करो ना, ए लब से ऑन करो बाबू, लब बाबू ऑन करो जी, ये सब शैतान खाली वीडियो। अंशु जीत ऑन करो बाबू, अंशु जीत ढेट की तरह ना सुनो जी, ऑन यस करो, ऑन सर, कीजिए ऑन कीजिए ऑन कीजिए, कोई मोबाइल नहीं बाबू। ठीक, तो ठीक सर, तो आगे अब हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, चेंज इन मोमेंटम। अब इसको शांति से सुनना है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है सर, इसको शांति से समझना। जिंदगी में जब भी आपको चेंज निकालना है, तो जिंदगी में जब भी आपको चेंज निकालना रहेगा तो हमेशा कैसे निकालना सेजल, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी बदलाव निकालना रहेगा, चेंज मतलब क्या, बदलाव, कितना आप में परिवर्तन हुआ, तो चेंज हमेशा कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। शांति से समझते चलना, चेंज हमेशा कैसे करें बाबू, फाइनल वैल्यू और माइनस इनिशियल वैल्यू, है ना। ठीक सर, मतलब क्या, जैसे मान लो सर, पहले आपके मास बाबू मान लो 50 kg था, आप हेल्दी होके 70 kg हो गए, नहीं हो सकती भोले, हो क्या सकते सर, है ये तब सर, है ना। तो बाबू कहेगा आपके मास में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन मास कैसे निकालोगे, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, 50 kg माइनस 70 kg, बात वाला 70 हो गया, तो 70 kg माइनस 50 kg कितना, 20 kg। तो जिंदगी में याद रखना, आप 11 में जाओ, 12 में जाओ, वहां चेंज बहुत आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बहुत आएगा। तो चेंज जब भी निकालना, कसम खा के बांध लो एकदम गांठ करके, चेंज जब भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बाबू, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे चेंज इन माइंड बाबू, मास निकालना कहेगा, जैसे मान लो बाबू अभी हम मान लो 50 kg के, अब बाद में भैंस नियन मोटा के हो गए 80 kg, तो हमारा मास में कितना चेंज हुआ,
तो 80 kg माइनस 50 kg बाद वाला जो मास होगा और अभी जो मास रहेगा, घटाओगे तो हमेशा क्या निकलेगा, चेंज। मतलब चेंज जब भी निकालना, बाद वाला वैल्यू माइनस इनिशियल वाला वैल्यू। तो चेंज इन मास कहे, चेंज इन वेलोसिटी कहे, चाहे बाबू चेंज इन सुंदरता कहे। पहले मान लो हम मंगरेला जैसा काला थे, है ना बाबू, फेनालवरी खरीदना, वहां पे स्ट्रिप्स आता, एक रहेगा मंगरेला जैसा काला, जैसे जैसा स्ट्रिप्स में, इस तरह से बाबू फेनालवरी में आजकल स्ट्रिप्स निकाल दिया ऐसे करके, नीचे काला, प्योर काला, फिर थोड़ा सा कम काला, फिर थोड़ा सा और कम काला, फिर थोड़ा सा कम काला, फिर थोड़ा सा कम काला, है ना, फिर यहाँ पे एकदम झलझल उजला, है ना। तो कहेगा चेंज इन सुंदरता, कितना सुंदरता में चेंज हुआ बाबू, शुरुआती है ना रोशनी, तो बाद वाला सुंदरता माइनस पहले वाला सुंदरता, है ना। जब भी चेंज निकालेंगे लक्ष्मी, है ना, तो बाद वाला माइनस शुरू वाला करेंगे। तो कुछ जिंदगी में चेंज निकालना रहे, है ना, चेंज इन सुंदरता, चेंज इन मास, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, कोई भी चेंज चीज में चेंज निकालना कहे, तो बाद वाला वैल्यू माइनस शुरू वाला वैल्यू। जैसे चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन एक्सीलरेशन, तो बाद वाला एक्सीलरेशन कृतिका माइनस शुरू वाला एक्सीलरेशन। तो बाद वाले को फाइनल कहोगे, शुरू वाले को इनिशियल कहोगे। चेंज इन मोमेंटम निकालना कहेगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस शुरू मोमेंटम। मतलब जब भी चेंज आएगा तो बाद वाला माइनस शुरू वाला करेंगे, है ना। कैपिटल दर्शन दो जी, है ना। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। यानी सुजीत को वेटिंग रूम में डालेंगे तब हम करेगा, ठीक। तो जब भी रोशनी भोली चेंज निकालना कहेगा बाबू रोशनी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, बाद वाला माइनस शुरू वाला, है ना। हाँ सर, तो क्या करा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फॉर्मूला हो गया। तो वही है फॉर्मूला, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब फाइनल मोमेंटम और शुरू मोमेंटम क्या क्या डिफरेंस है ना, हमेशा ऐसे निकालना देते बाबू। बाद वाला मोमेंटम माइनस शुरू वाला मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, ठीक सर। इतना तक तो समझ में आ गया, है ना, अच्छी बात, ठीक। तो मान लो कोई गाड़ी है, क्या है बाबू आपके पास, है ना, कृतिका चर्चा क्या है, तो गाड़ी है, तो गाड़ी का कुछ मास होगा, और मान लो इनिशियल यू वेलोसिटी से जा रहा, और थोड़ा दूर चलने के बाद भोली, थोड़ा दूर चलने के बाद मान लो इसका मास एम है, वेलोसिटी क्या हो गया, वी हो गया, है ना, वेलोसिटी क्या हो गया, वी हो गया, बदल गया। अरे बाबू शुरू वाले 0 वेलोसिटी से स्टार्ट की, अब बाद में धीरे धीरे आगे जाओगे तो स्पीड बढ़ाओगे ना जी, तो वही वेलोसिटी वी हो गया। तो कहेगा चेंज इन मोमेंटम कितना, तो यहाँ फाइनल मोमेंटम कितना, फाइनल मोमेंटम निकाल दो, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बताया था ना, मास इंटू वेलोसिटी होता। शुरू वाला मोमेंटम कितना, तो मास, मास तो चेंज नहीं होगा, मास इंटू क्या, शुरू का वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कहेगा, तो बाद वाला मोमेंटम माइनस शुरू वाला मोमेंटम। तो बाद वाला मोमेंटम कितना स्वराज भोला, बाद वाला मोमेंटम कितना, बाद वाला जो मोमेंटम होता भोला, मास इंटू वेलोसिटी माइनस शुरू का। तो यही बहु एम इंटू एम कॉमन ले लेगा, एम क्या लेगा, कॉमन लेगा, तो वी माइनस यू। तो यही क्या मेरा चेंज इन मोमेंटम है, एम बराबर कितना, वी माइनस यू होता है। अब इसी चेंज इन मोमेंटम को बाबू हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, प्रीवियस क्लास में बताए थे पी फॉर मोमेंटम, पी से क्या होता है सर, मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन वगैरह सब बताए थे, है ना, ठीक ठीक बोला। अब चेंज को कैसे बाबू, तो चेंज को आगे ट्रायंगल से लिख देंगे, आगे आप पढ़ो बाबू। तो चेंज को दो तरह से, एगो डिफरेंशिएशन से, आई बड़ा वाला चेंज है तो उसको ट्रायंगल से, इसको क्या पढ़ेंगे डेल्टा पी, इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, इधर बादल बना के लिख लेंगे बाबू, ये जो पढ़ेंगे बाबू ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, क्या तरीका, चेंज इन मोमेंटम को कैसे डेल्टा पी, क्या बाबू इसको डेल्टा पढ़ा जाता था, इसको क्या पढ़ेंगे डेल्टा, क्या पढ़ेंगे बोलिए डेल्टा, आई पी फॉर मोमेंटम हो गया, तो डेल्टा पी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हो कि नहीं, है ना। हाँ सर, तो यही क्या है सर, चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है सर, बाद वाला मोमेंटम माइनस शुरू वाला मोमेंटम। तो बाद वाला मोमेंटम कैसे, मास इंटू वेलोसिटी, बाद का मास इंटू वेलोसिटी माइनस शुरू का मास इंटू वेलोसिटी, सबट्रैक्ट कर दोगे आपका मोमेंटम आ जाएगा, है ना। हाँ सर, यशोराज बाबू क्लास 9 ऑन करो। अब उसी पे बेस क्या सर, क्वेश्चन है, क्या बोली, क्वेश्चन है, क्या है सर, आसान है, इजी से भी आसान है, कैसे सर, देखो, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बुलेट बेइंग 0.15 kg। कोई बुलेट है वो जिसका मास कितना 0.15 kg है,
बुलेट का मास दिया हुआ है, और कह रहा बाबू वेलोसिटी उसका कितना हो गया, पहले 36 किलोमीटर पर घंटा था, अब 72 किलो 72 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो कह रहा मोमेंटम में चेंज कितना, तो शुरू वाला मोमेंटम सर और बाद वाला मोमेंटम निकाल देंगे या घटा देंगे, बाद वाला माइनस शुरू वाला, मतलब क्या बोली, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.15 kg दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना। अब बाबू वेलोसिटी इंक्रीज हो गया 36 से 72, तो ये 36 क्या होगा, शुरू वाला वेलोसिटी होगा, 36 मेरा क्या होगा, शुरू वाला होगा, 72 मेरा क्या होगा, बाद वाला वेलोसिटी होगा, यही होगा ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा बाबू, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा जी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी बोला कितना दिया बाबू, 36 किलोमीटर पर आवर दिया बाबू आदित्य भोला, यही दिया हुआ ना। बाद वाला वेलोसिटी कितना दिया हुआ सर, फाइनल वेलोसिटी भोला कितना दिया बाबू मेरे कृतिका, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल मोमेंटम निकाल दो, फाइनल मोमेंटम निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इनिशियल मोमेंटम कितना सर, इनिशियल मोमेंटम कितना, तो मोमेंटम बराबर क्या पढ़ाएं आप लोग को, मास पढ़ाएं लक्ष्मी, या वेलोसिटी का प्रोडक्ट पढ़ाएं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या, मास लिखेंगे बाबू मल्टीप्लाई इनिशियल वेलोसिटी, शुरू वाला मोमेंटम के लिए शुरू वाला वेलोसिटी, है ना लक्ष्मी। हाँ सर, तो इनिशियल मोमेंटम कितना, अब इसको मास रखो वेलोसिटी की वैल्यू रखो, तो इनिशियल मोमेंटम मेरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, अभी थोड़ा तेज रहता तो डायरेक्ट करते, इतना करे की जरूरत नहीं था, है ना। ठीक सर, मास कितना दे सर, 0.15 kg कितना दिया हुआ, अब 0.15 kg दिया हुआ है, इनटू इनिशियल वेलोसिटी कितना सर, 36, कितना दिया बाबू, 36 दिया हुआ किलोमीटर पर घंटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.15 गुना 36, 36 मल्टीप्लाई 15 कर दो, कितना होगा जी, बोलो बोलो दीदी, 36 मल्टीप्लाई 15 दो ये कर देना, तो इनिशियल मोमेंटम तो इतना हो गया लक्ष्मी, फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे सर, फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे भोली मेरी, फाइनल मोमेंटम कितना स्माइल रहा, तो मास इनटू बाद वाला वेलोसिटी, अरे बाद वाला तो बाद वाला वेलोसिटी लेगा ना, मास तो सेम रहेगा, तो मास बाबू 0.15 kg इनटू कितना, 72 हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा, हो गया। अब हमको चेंज इन मोमेंटम लिखो, इतना फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये लक्ष्मी सो रही भोली, जाग जा बाबू, सो नहीं तबीयत नहीं ठीक है लक्ष्मी, सर ठीक है। एगो कल सपना को कूटे भोली, बुखार लग गया, मोबाइल लगता ब्लैक लिस्ट में मेरा वाला डाल दी, भर पेट कल कूटे, इसीलिए आज नहीं आई है मेरे यहाँ बाबू, आधा बच्चा बाबू डर से नहीं आता, जो आता है वो सीख लेता है कि तो पढ़ेगा नहीं और पढ़ेगी नहीं। सर वी माइनस यू हाँ बोला बोला, हो डिवाइडेड बाय टी नहीं होगा सर, बुक गया ना, वीडियो बंद करे सर जी, कुछ में तो दिया है सर। दिया जी सर, वो जो है ना उसमें डिवाइडेड बाय टी भी होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो बुक में थोड़ा एक्सपांड करके लिखा है और आपने डिवाइड बाय टी नहीं लिखा है। यही कृतिका बोली, आ रहा है अभी, सिर्फ हम आपको कृतिका अच्छी बता, चेंज इन सिर्फ मोमेंटम बता रहे हैं, आगे रेट लिखेंगे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो टी में टाइम से डिवाइड करेंगे, तो बुक वाला किताब बाबू उतना उड़ेंगे तो नहीं ना समझ में आएगा बोली, वैसे हमको नहीं पढ़ाना था, वैसे हमको नहीं पढ़ाना था कृतिका बाबू कि यहाँ टाइम, उसको आगे हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट लिखेंगे ना तब करेंगे, अभी सिर्फ खाली चेंज इन मोमेंटम है, समझी भोली, मेरे साथ आ रहा, और का भी डाउट था। हाँ तो जो भी डाउट रहता है बेहिचक पूछिए, आ रहा तुरंत आएगा, स्वराज नाम खुश है,
अभी हम लोग रेट लिखेंगे ना, रेट इन चेंज अमाउंट, अब तो रेट आता है तब टाइम आएगा भी, है ना, अगला बहन वो अगला स्टोरी वही होगा। आए सर, तो इसका चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल मल्टीप्लाई करके घटा दो सौरज भोला, और आपका हो जाएगा। घटा जल्दी जी, इसलिए भोला और भोली लोशनी। अभी हम खाली आपको मूवमेंट देखो, पढ़ाने का क्या तरीका, स्कूल में बाबू ऐसे नहीं देता ना सर, सीधे चेंज इन मोमेंटम, पहले आपको मोमेंटम बताए है ना, उसके बाद बाबू चेंज इन मोमेंटम, अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताएंगे। इसको सॉल्व करो मेरे लाल, तो चेंज इन 5.4 मोमेंट, हाँ चेंज इन मोमेंटम भोली कितना सर? ये चाहो बहुत एक के लाइन में कर सकता था, खाली आपको समझाने के लिए, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी 72 - 36 करके मैं ये कर लेता है ना, लेकिन चलो बच्चा की तरह समझाना पड़ता। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम कृतिका, फाइनल मोमेंटम कृतिका भोली माइनस इनिशियल मोमेंटम है ना स्वराज, खुश है स्वराज भोला। फाइनल यस सर। मोमेंटम कितना बाबू? 0.15 × 72, सब यूनिट एक जगह लिखेगा तो लिख सकता है केजी किलोमीटर पर घंटा माइनस 0.15 × 36 केजी किलोमीटर बराबर, अपना यूनिट लिखना, 0.15 कॉमन हो जाएगा दोनों में, सॉल्यूशन करने में आसान होगा, 0.15 दोनों में कॉमन हो जाएगा ना, 72 - 36, अरे कॉमन हो गया तो 72 - 36 बस केजी किलोमीटर बराबर। तो बोला जो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है ना, वही बाबू चेंज इन मोमेंटम का होता है, 0.15 × 72 - 36 36 हो गया केजी किलोमीटर लव बाबू पर घंटा। अब इसको गुना भाग करो, 36 से 15 से मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, 36 5 80 से आई 36 हो जाएगा, 0 814 3 1 4 1 5 140, मतलब 5.4 आ जाएगा किलोग्राम किलोमीटर बराबर। देखो अगला क्वेश्चन समझाते बोली, पहला ऑन करो जी, लाइन लाइन कटा हुआ था। कटा हुआ जी, लिखो आदित्य भोला, निको लिखिया, समयरा सारा लिख रही हो समयरा? हाँ हाँ सर, सारा लिख रहा है। आज आने वाले थे भोली, लेकिन बारिश हो गया बाबू, कल आके कखनियों देखते हैं, टाइम बचेगा ताकि चेक कर लेंगे। जल्दी ठीक है सर। लिखिए, जल्दी लिखिए अगला क्वेश्चन। मन से पढ़ते चलना कृतिका बोली, समझ समझ के पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखते चलो, लिख लिया दी तो। चलो आदित्य बाबू लिख लिया जी, बोला ना भोला, अच्छा लिख लिया जी बाबू, कहाँ भेजिए यस आदित्य सर। बाबू, ये आदित्य शैतान भेजिए जी, नेटवर्क उसका स्टक बोले। नेक्स्ट बोला देखो, अगला क्वेश्चन कृतिका लिखी, कृतिका बोले कि नहीं लिखी, यस सर, हो गया। अगला समझो, अगर कोई चीज को बाबू आप ऊपर फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी कितना होता है? कभी ऑब्जर्व किया, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा तो सर्टेन हाइट के बाद नीचे आता है, ये कभी देखना लक्ष्मी, आपको पकड़ के ऊपर फेंका जाओ बचपन में बाबू, पापा जी खिलाते होंगे ना बउआ को ऐसे ऊपर ढेर करके, तो बउआ ऊपर जाता है, ऊपर फिर रुकता है, फिर नीचे आता है,
है ना, मतलब क्या बाबू, मतलब ये भोला कि कोई भी बॉल वगैरह ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो भोला, तो कुछ क्षण के लिए ऑब्जेक्ट का सर्टेन हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो होता है। मतलब क्या बाबू, ये सब आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, बच्चा को खिलाना है ना। हाँ सर, कि नहीं कृतिका, सॉल्यूशन बोली, कोई बॉल है क्या, है ये बॉल है ना, जिसका दिया है बॉल इज बाबू थ्रो ए 100 ग्राम, कितना बॉल है बोली, 100 ग्राम का बॉल है ना। वर्टिकली अब विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कितना स्पीड से इसको फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंक रहे हैं, 100 ग्राम का बॉल है, नहीं हो सकता है जी, है ना बाबू। भाट विल वेट से इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, रोशनी एक है ना बाबू, बॉल को लेकर फेंको तो जाएगा बाबू ऊपर जाएगा, फेंकोगे तो ऊपर तो जेबे करेगा भोला है ना, तो एक सर्टेन हाइट तक ही जाएगा बाबू, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से फेंक देवो तो चंद्रमा पे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, फेंकोगे तो एक सर्टेन हाइट तक ही जाएगा है ना। हाँ सर, अब ये सर्टेन हाइट तक तो कहाँ तक जाएगा, तो जहां पे बाबू इसे फेंक रहे हो तो देखना यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, जीरो होता, तो जहां पे जाके रुकेगा ना बाबू, मान लो अरे यहाँ से बॉल को फेंका, यहाँ से फेंके है ना ठीक, मार्कर यहाँ से मार्कर को फेंके, हम मान लो यहाँ पे जाके रुक गया, तो ये बीच की जो दूरी है ना भोला है ना, ये मैक्सिमम हाइट होता है, जहां से फेंके जहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो ये जो हाइट होता है बाबू आदित्य, ये मैक्सिमम हाइट तो होता है। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला कि किसी ऑब्जेक्ट को बाबू फेंक रहे करके है ना, तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ से घूर के कहाँ आएगा भोली, नीचे आएगा, कहाँ आएगा बॉल, नीचे आएगा, यही होता है पूरा कंप्लीट जर्नी, एक बॉल को बउआ लो, छोटा भाई को लो, खिलाओ, ऐसे ऐसे फेंकते रहो तो जाएगा, फिर थोड़ा दूर देर, थोड़ा देर के लिए ऊपर रुकता है, आप लोग ऑब्जर्व करना, स्लो मोशन में कैमरा है ना, क्लिक करना, थोड़ा देर के लिए रुकेगा, फिर वहां से नीचे गिरेगा, फिर अगर हाथ नहीं रोके तो फिर नीचे से ऊपर, ऐसे ना होगा जी, मान लो भारी भरकम बच्चा खेल रहा है गोदी में ठीक, ऐसे लोका लोकी कह ले तो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, हाथ से छूटा जमीन पे गया, फिर जमीन से ऊपर जाएगा कि नहीं भोला, है ना नहीं बाबू, जाएगा सर, क्या बाबू, ऐसे नहीं जाएगा सर, कम हाइट। अरे भोला छतवा पर लेके खेल रहा है जी, नीचे काले खेलेगा, टेरिस पे लेके ऐसे लोका लोकी खेल रहे बच्चा को है ना, तो ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, समझा भोला, नहीं जाएगा, हाँ सर, तब चलेगा। एक आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना, पड़ोसी वाला बहुत अच्छा फिर समझा ठीक, मतलब क्या सर, फाइनल वेलोसिटी जीरो ना बाबू, तो यहाँ का कहेगा मोमेंटम, हाईएस्ट पॉइंट का मोमेंटम, तो डरेगा बाबू काहे डरेगा भोली, हाईएस्ट पॉइंट का मोमेंटम, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो हो गया, तो यहाँ मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये सब लॉलीपॉप है बाबू और कुछ नहीं है ना, तो पहले क्या करूँ, इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना भोली, इनिशियल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम बाबू है ना, हाँ बाबू इनिशियल मोमेंटम कितना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी के बाबू, मनीषा ये मनीषा सुन रहे जी, नहीं सर, है ना, तो मास कितना, 100 ग्राम, चाहो तो ऐसा यूनिट में भी ले सकते हो, मास दिया हुआ है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में कई किलो, 100 बटा 1000, 100 बटा 1000 kg से जल, 1 0 2 0 मर गया, 1 बटा 100, 1 बटा 10, 10 कितना, 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम में 0.1 kg, तो मास कितना लोगे, 0.1 kg, इनटू वेलोसिटी कितना सर, 10 सर, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल मोमेंटम कितना, 0.1 को 1 बटा 10 kg हो गया भोली, 10 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मर गया तो 1 kg मीटर पर सेकेंड, फाइनल मोमेंटम कर हाईएस्ट पॉइंट पे, व्हाट वुड बी द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट,
हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम कितना होगा, सोचो सोचो, मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट है ना, जी मोमेंट एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट मोमेंटम बाबू, हाईएस्ट पॉइंट बोला, HIGEST हाईएस्ट पॉइंट बोल ली, कितना सर हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम कितना बोला, बोलो बाबू, मास इंटो वेलोसिटी, तो मास स्वयं से हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी भी, एम इंटू वेलोसिटी कितना, जीरो, तो हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम जीरो, तो कहेगा चेंज इन मोमेंटम, इसमें एक और लिख लो बाबू, सी नंबर, चेंज इन मोमेंटम निकालिए, क्या निकालिए बाबू, चेंज इन मोमेंटम, सी नंबर इसमें लिख लो, बोला चेंज इन मोमेंटम, चूंकि हम लोग चेंज इन मोमेंटम पढ़ रहे हैं ना जी, है ना, हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना बोली, चेंज इन मोमेंटम सी नंबर कितना रोशनी, तो चेंज इन मोमेंटम क्या सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जीरो माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना, 1 kg/s, ना मतलब निगेटिव आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम, तो क्या दिक्कत है, निगेटिव आता है डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए बोला चेंज इन मोमेंटम कितना, एक केजी मीटर पर सेकेंड। अब आगे की कहानी सुनो, लिखो इतना, अब आगे की कहानी, किसका नेटवर्क भागा जी, अंशुजीत है, आदित्य, बिट्टू है, मनीषा है, लक्ष्मी, कृतिका, अनुष्का, सेजल, एस मायरा कहाँ चले जी, आदित्य का नेटवर्क भागा जी, आदित्य तो ही है, एस मायरा बोले, असमायरा जल्दी लिखिए, आगे समझाते हैं, सब बच्चा एग्जाम में बीची है बाबू, अरे बाबू बाबू, काश मायरा जिंदगी जी रे भोले, ऐश मायरा कहाँ जिंदगी जीने में लगी हो जी, घट रहा है दावा बाबू, आते हैं कल, रुको, शैतान बैठ के गप करने में लगी हुई है, जल्दी लिखिए, नहीं बोलिए, एकदम क्लास में एकदम अटेंडेंस रहना, एक्टिव रहना, गप की आके फूट देंगे बगले में तो हो जी, नेक्स्ट बाबू, ऐसा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना कहेगा, तो कैसे करोगे, तो जब भी जिंदगी में रेट आएगा तो टाइम से डिवाइड करेंगे, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, अरे बाबू लिखो सुमायरा, तो ये कहानी था सर मोमेंटम का और लक्ष्मी चेंज इन मोमेंटम का, दोनों आपको सेपरेट सेपरेट बताएं, आगे आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बाबू मेरे? लिख ली बाबू, एस माइनस आ लिखी थी, मतलब लगती बाबू गायब बोले जी। इसका लैपटॉप का कैमरा थोड़ा सा खराब हो गया, इसीलिए बाबू आउट ऑफ कंट्रोल है। मनीषा कहाँ हाँ सर, चल गई थी जी? कहीं कहीं नहीं, क्या बोले, मामला गड़बड़ लग रहा है फिर बाबू। नेक्स्ट बाबू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा सर? अगर कोई कह दे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो बच्चा मेरा डरेगा, काहे ला डरेगा। जो चेंज इन मोमेंटम है ना उसी में किससे डिवाइड कर देना, टाइम से। अब आएगा मूवी में बाबू, अब आपके मूवी में आएगा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, है ना, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, मतलब क्या होगा भोला? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज भोली, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को ही हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना आश्रय। तो चेंज मोमेंटम कैसे 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 ऐसे, चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है ना, अभी बताएं ताजा ताजा, माइनस इनिशियल मोमेंटम। और रेट है ना पर यूनिट टाइम, किससे डिवाइड देंगे, टाइम से। हाँ सर, फाइनल मोमेंटम एम बी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू, अभी ताजे ताजे बताएं, डिवाइडेड बाई टी, एम कॉमन ले लेंगे बोला, वी माइनस यू बाई टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है भोली? मोमेंटम होता है, समझा आदित्य भोला? हाँ सर, आइसोलेशन का क्या फॉर्मूला होता है आदित्य बाबू, बताओ जी आदित्य। आदित्य यस सर, आइसोलेशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ जी, बोलो आदित्य बाबू, सर ऐसा यूनिट बोला। हाँ बोलिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे शैतान, फॉर्मूला ऐसा यूनिट नहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोला सर कृतिका? फाइनल। यस सर, फाइनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है जी? मैंने माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है भोला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाबू, और आदित्य टी होता है, यही यस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, वी माइनस यू बाई टी, इक्वेशन का तीन मोशन ऑफ इक्वेशन होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो यहीं से ना आता जी, ए टी मल्टीप्लाई कर देते हो तो वी माइनस यू, यू इधर कर दोगे तो वी बराबर कितना, ए टी प्लस यू, तो इसी के सजा के लिखोगे तो यू है ना बाबू, यू प्लस कितना, तो यही ना वेलोसिटी होता, फाइनल निकालते वो इक्वेशन का मोशन, तो यही से आता है। मतलब क्या सर, मतलब बाबू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी का, वी माइनस यू अपॉन टी का ए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, इसलिए बाबू रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है भोला, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो देगा अंशु जीत शैतान, है ना, क्या देगा सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या देगा, मास इंटू एक्सिलरेशन देगा, ये हम बोल रहे हैं, नहीं
कौन बोला? न्यूटन बोला। कौन बोला? न्यूटन बोला मेरे भोला। हम बोल रहे हैं नहीं, ये कौन बोला? न्यूटन बोला, इसीलिए इसको न्यूटन का सेकेंड लॉ कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो भोला, तो फोर्स की वैल्यू कौन होगा, क्या होगा? तो यही रेट इन चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो यही किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे बाबू, है ना? तो फोर्स बराबर क्या होगा? मास इनटू क्या होगा? एक्सीलरेशन हो गया। तो पहले बहुत सारा आर्क साइंटिस्ट था, एरिस्टोटल था, गैलीलियो था, उसने बाबू फोर्स का कोई बाबू फॉर्मूला नहीं निकाल पाया, है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेल रहे बाबू, उसमें वेलोसिटी हो रहा है, तोरा पे कितना फोर्स लगाएंगे, कोई साइंटिस्ट नहीं कैलकुलेट कर पाया। सबसे पहले कौन शैतान कैलकुलेट किया? न्यूटन किया। कौन किया? न्यूटन किया। तो इसीलिए न्यूटन ने तीन गो ला दिया, जिसमें सेकेंड ला यही है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना? तो ये सब सब कौन बोला? हम बोले भोली ना, न्यूटन बोला। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकेंड ला कृतिका। कौन सा ला? सेकेंड ला। देखो बाबू, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा बाबू? न्यूटन सेकेंड ला ऑफ मोशन। कौन न्यूटन सा ला? सेकेंड ला ऑफ मोशन। क्या हुआ बेटो? ब्लर दिख रहा है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ में दो स्टेटमेंट है। कई स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है निको। कहाँ गया निको? एगो लिखो जी। ए रोशनी, लिख रहे? बोले रोशनी, ए बोली रोशनी। तो ये क्या है? सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ मोमेंटम के टर्म में, एगो मास इनटू एक्सेलरेशन के टर्म में, दो दो स्टेटमेंट होता है न्यूटन्स। ये सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ मोमेंटम। सेकेंड लॉ किसके टर्म में? मोमेंटम के टर्म में, है ना? हाँ सर। तो क्या स्टेटमेंट है बोला? स्टेटमेंट फर्स्ट बोला, दो स्टेटमेंट होता है कैसे? टर्म मोमेंटम के टर्म में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, स्वराज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर ही रेज करके लिखिए सर, नीचे कट जाएगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कटेगा तो उसका भी इलाज है भोला। तो ये कौन है? न्यूटन सेकेंड लॉ है ना? मन से पढ़ता चलना कृतिका। एंड बाबू किस डायरेक्शन में होगा बाबू? एंड टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस बाबू इन द डायरेक्शन, इन विच द एक्ट
टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा बोला, डायरेक्शन इन बीच फोर सेक्ट, इन बीच द फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं। कौन बोला? न्यूटन बोला। कौन बोला? बोला आदित्य, न्यूटन बोला। मतलब क्या सर? मतलब ये बोला, मतलब क्या सर? मतलब ये बाबू, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके ऊपर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना सोल्व करके लाए सर? मास इनटू एक्सेलरेशन लाए। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सोल्व करके कितना लाया ऊपर से? मास इनटू द फोर्स प्रोपोर्शनल। कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स वाला भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा बाबू, तो के इनटू एम में। अब न्यूटन बाबू, यही बाबू न्यूटन था जो फोर्स को फॉर्मूला के टर्म में डिफाइन किया। ये पहला साइंटिस्ट था बेचारा, न्यूटन मेरा पहला साइंटिस्ट था बाबू, जो फोर्स को क्या क्या फॉर्मूला के टर्म में डिफाइन किया। इसके पहले बहुत आए बहुत गए, तो इसने बाबू के की वैल्यू रखना चाहा, तो अपने मन से, ये तो स्वतंत्र था। कोई भी चीज बाबू आप बना रहे हो है ना, नया चीज डिस्कवर करो, तो उसमें अपने मन से जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहो कर सकते हो। तो इसने बाबू के की वैल्यू कितना लिया? के लिया। इफ बोला के बराबर कितना लिया, कांस्टेंट हटेगा ना, ये प्रोपोर्शनलिटी हटता, कोई कांस्टेंट आता, के की वैल्यू कितना लिया? 1 लिया। न्यूटन का मन था ले लिया है ना, तो बाबू के की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देगा बोला, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? मा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माता जी। तो ये कौन बोला? न्यूटन्स बोला। क्या बोला? न्यूटन्स बोला। किन्हें? उसका। तो यही न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बाबू, सेकेंड लॉ क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। सर स्टेटमेंट 2 भी लिखेंगे वही स्टेटमेंट टू लिखेंगे, लिखो ना इतना। ना सर, ये फिकल्ट तो हो प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना बाबू, तो कांस्टेंट हम लोग देते हैं। क्या देते हैं? कांस्टेंट देते हैं कि नहीं? कृतिका लिखो जल्दी, बोली जल्दी लिखो। गुड इवनिंग सर। आई शैतान, अभी गुड इवनिंग हुआ जी। तो ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है जी। अंशुजीत तो भलो कहवे करता है, अंशुजीत का दिक्कत, बाकी तो बिट्टू भी कहवे करता। आ जाना निकू 9 बजे जी। आज आ जाऊंगा हाँ, इन्हें के बुलाना पड़े। आ जाना बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देंगे, कुछ दिन आ जाओ फिर मत आना। तो यही न्यूटन्स का कौन है सर? सेकेंड लॉ। इसका फिर सेकेंड स्टेटमेंट है सर, फिर गुड इस पे इवनिंग चलेगा सर। क्वेश्चन चलेंगे। क्या चलेंगे? क्वेश्चन चलेंगे, फिर इसका सर एप्लीकेशन, फिर थर्ड लॉ में हम लोग एंट्री करेंगे। कहाँ करेंगे? थर्ड लॉ में एंट्री करेंगे। अच्छा इवनिंग सर। ठीक है जी, नेक्स्ट बोला, लिखो इसको बाबू। आए आप लोग तैयार रहना बाबू, 1 महीना पहले ही बोल रहे हैं बाबू। कृतिका, अंशुजीत, स्वराज, ये सब जो भी हो बोला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा याद होना चाहिए। सो सर नहीं कर रहा जी? याद कर रहा हूँ सर। हाँ, सारा लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए। जहां भी डाउट होता पूछिए। स्कूल में कब से एग्जाम है स्वराज? सर परसों से 18 डेट से। लेकिन अच्छा, तो स्कूल में रिवाइज हो गया लेकिन सर 18 से मैथ्स का एग्जाम है 18 से कब तक है बाबू? सर 30 डेट तक। 30 तक। यस सर। हाँ, जहाँ दिक्कत होगा पूछिएगा, बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, है सर ना? इन्होंने उसे तो क्या मैथ्स का पेपर है सर, आदित्य बाबू क्या बोला? बोला 19 को मैथ्स का पेपर है। तो कहीं दिक्कत है जी? नो सर। है पंडित हो गया मेरा। वो आपका बच्चा बोला, आपका वो बाबू दोस्त बोला,
गुड इवनिंग सर उनके सर। पापा देखो पर एक में तो अभी उनके पापा का ड्यूटी चल रहा है तो बोला है कल परसों तक में गुड बाबू इवनिंग तो सर। उनका शिफ्ट चलता होगा ना जी, कोई टाइम टेबल नहीं है।